Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ekan. Happy birthday. नजदीक लेके आए तो मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। केक देखिए बहुत ही अच्छा है, कूल एकदम। हैप्पी बर्थडे एकांश, टू इयर्स। देख सकते हैं, देखो एकांश को समझ नहीं आ रहा है तो भैया केक खाने दो, बर्थडे बर्थडे ठीक है। वाह दोस्तों, यस डेकोरेशन भी दिखाओ थोड़ा सा उठा के। देखिए हमने
बहुत अच्छा जो है डेकोरेट किया है, बलून्स लगाए हैं, आप देख सकते हैं। ऊपर दिखाओ पूरा और इधर की तरफ दिखाओ। इसी तरीके से पूरे घर में दोस्तों हमने डेकोरेट किया है। वाओ! और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को बस आप आशीर्वाद दे, दोनों मेरे बच्चों को, कि भैया वो अच्छे इंसान बड़े इंसान बने, लाइफ में औरत का सम्मान करें, किसी औरत के साथ चीटिंग ना करें, हर औरत को रेस्पेक्ट दें और बुरी चीजों से दूर रहें, है ना। बड़े इंसान बनने के साथ साथ आपका बुरी चीजों से दूर रहना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत लोग बुरी चीजों में, बुरी संगत में आ रहे हैं, तो मेरी तो बस यही दुआएं हैं कि ये इतने बड़े बने और अच्छे इंसान बने कि बोले कि भाई बड़ा आदमी भी है और अच्छा आदमी भी है। यश, आपका क्या कहना है? आप प्लीज शेयर योर फीलिंग्स फॉर कांच। वाओ, बोलो यश। एकांश केक दबा के खा रहा है। हाँ, केक उसको पसंद है। मैं भी खा लेती हूँ। हाँ, और मुझे तो लगा 2 साल हुए भी नहीं है अभी तक। अच्छा, बहुत तेज चले गए ये 2 साल। तेज मतलब जल्दी? हाँ, बहुत जल्दी निकल गए। लेकिन अच्छे तरीके में, ऐसे नहीं कि नहीं जाना चाहिए था, अच्छी तरीके में। और मैं भी ये चाहता हूँ कि और इयर्स में भी इतना तेज जाए टाइम और हम सब साथ में सेलिब्रेट करें और हैप्पी रहे। सो आर यू हैप्पी इन योर लाइफ? यस। एकांश, आर यू हैप्पी? यस। जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। एकांश, एकांश को इतना अच्छा लग रहा है केक, दोस्तों देखो खुद ही खा रहा है वो। जय श्री राम। वाओ, जय श्री राम। दोस्तों इज वेरी बिजी, सो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दोनों बच्चे मेरे पास हैं। अगर आप मुझसे एक इधर करोड़ भी रखेंगे और पूछेंगे तुझे बच्चे चाहिए कि करोड़ रुपए चाहिए, तो भैया एक माँ हमेशा अपने बच्चे चूज करती है। फादर का मुझे पता नहीं, लेकिन आजकल घोर कलयुग चल रहा है। आजकल बहुत सारे फादर ऐसे हैं जो करोड़ तो छोड़िए लाख रुपए के चक्कर में अपने कीमती अनमोल गहने जो हमारे बच्चे होते हैं। दोस्तों मुझे सुकून इस बात का है कि भैया जो जिंदगी में सबसे बड़ी जो दौलत होती है वो होती है औलाद। वो फिलहाल मेरे पास है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आखिरी दम तक मेरे बच्चे मेरे पास रहें, मेरे साथ रहें। बाकी रही पैसे की बात, तो भैया वो साथ में नहीं जाएगा। वाओ, एकांश, आ आ आ आ आ मम्मा 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 आ आ भैया भैया भैया। देखा दोस्तों, इसको बोलते हैं प्यार। थैंक यू एकांश, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एकांश, आई लव यू बेटा। सबको जय श्री राम बोल दो। जय श्री राम। क्या बात है। चलिए दोस्तों, और मैंने थोड़ा पकड़ लिया स्टैंड, ये देखिए गुलाब मैंने लगाए दोस्तों, ये देखिए रोज। रोज से मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आज बहुत दिनों बाद ये बात मेरे दिमाग में आई है। जब एकांश नहीं, यश जब हुआ था दोस्तों, तो जब मैंने घर में प्रवेश किया था तो पूरा घर जो है ना गुलाबों से सजाया गया था। और उस दिन पहली बार इस तरीके से वेलकम हुआ था मेरा, तो ये गुलाब लगाने का आइडिया वहीं से मुझे आया है। और देखिए आप, घर कितना बड़ा है, आप कितने दौलत लगा के, कितने लाखों लगा के आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कितने अपनों के साथ खुशी सेलिब्रेट करते हैं वो बड़ी बात है। और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगर सच पूछोगे मेरा अपना कौन है, तो ये दो है जिनको मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा ब्लड है, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरा आज है, ये मेरा फ्यूचर है। तो दोस्तों बात अगर अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, तो वीडियो लाइक करो। मैं ऐसे बीच बीच में देखती रहती हूँ कि भैया कोई अजनबी आदमी मेरी बातें तो नहीं सुन रहा है। देखिए इधर भी गुलाब है दोस्तों। तो चलिए इसी बात पे, एक बलून फोड़ना तो बनता ही है। हाँ यश, यहाँ से नहीं फोड़ते, इधर से फोड़ते हैं। एकांश नहीं डरना चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर एकांश।
चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस मेरे बेटे को आप ब्लेसिंग्स दे, ठीक है? थैंक यू।